अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं इस वक्त साइट पर मौजूद हूँ और हमारा ये शटरिंग वर्क फाउंडेशन का कंप्लीट हो चुका है और इसमें ये जो साइट को जो पूरा देख रहे हैं, जो सुपरवाइज़ कर रहे हैं मुस्तफ़ा। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं इस साइट को सुपरवाइज़ कर रहा हूँ और हमारा इस टाइम जो है फाउंडेशन की सारी शटरिंग और कॉलम्स तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह फाउंडेशन के, और हमने इस पे लगाया है अमरेली का सरिया। और फाउंडेशन हमारी जो हाइट है वो 9 फिट है, आपको दिखाएं कि हाइट जो है वो 9 फिट के ऊपर। और हमने इसमें एक बेहतरीन काम किया है जो यहाँ बहुत कम लोग करते हैं, हमने अपनी पूरी घर की जो है वो नीचे राफ्ट लगाई है स्टील करके। अब जो हम पूरिंग करेंगे उसमें पूरा घर जो है हमारा इसमें सेफ रहेगा। और इसमें अक्सर होता यह है कि बहरिया के अंदर कंप्लेंट्स आती हैं जिसकी रिटर्निंग वॉल्स जो है वो क्रेक्स आ जाते हैं, तो हमने इसमें किया यह है कि पूरा नीचे बेड बना के इसका जाल दे दिया है। जैसे ये 9 फिट की ये हाइट है क्योंकि थोड़ा सा नीचे का प्लॉट था, तो इसकी वजह से हमारे स्टील में और मजबूती में कोई फ़र्क है? नहीं, स्टील इसके अंदर हमने क्योंकि ज़्यादा डाला है तो इसमें और भी ज़्यादा मजबूती दे दी है, और आने वाले टाइम में कोई इन फ्यूचर हमारे घर के अंदर कोई क्रेक्स वगैरह और इस तरह की कोई चीज़ नहीं आएगी इंशाल्लाह। कॉलम्स हमने अच्छे करके दिए और हमने स्टील इस्तेमाल किया है, 6 इंच सेंटर पर जो है हमने सरिए का जो है वो गैप रखा है। जी, हमने इसमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर पावर सीमेंट इस्तेमाल की है, 53 पावर सीमेंट OPC, और इसके साथ हमारी क्रश जो है क्रश 16 mm की है, वो 16 mm में कोई इस्तेमाल नहीं करता, हमारे यहाँ ये 16 mm की क्रश है बारीक वाली, जिससे ये है कि कंक्रीट की फिनिशिंग और उसमें कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी आती है, ज़्यादा मोटी जो कंक्रीट होती है उसमें अच्छी भराई नहीं आती। जी, हमारी जो है फॉर्म वर्क तैयार है और कल इसकी भराई है। भराई होने के बाद हम इसको 6 दिन तक जो है वो वाटर क्योरिंग करेंगे मुसलसल 3 टाइम, जिससे जो है हमारे स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं रहेगी और स्ट्रेंथ हमारी मजबूत आएगी वाटर क्योरिंग की वजह से।